मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश से गायब हुई बालिकाओं के संबंध में गृह मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा की और गायब हुई बालिकाओं के संबंध में कहा पुलिस ऐसे मामलों में बालिकाओं की बरामदगी संख्या बढ़ाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत कुछ माह में महिला अपराधों में आई कमी के लिए पुलिस को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि गत 8 माह में महिलाओं के विरुद्ध अपराध आधे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सम्मान अभियान का संचालन सराहनीय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा बेटियों के गायब होने के मामले में गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गुम हुई बेटियों को लाना प्राथमिकता है, ऐसा सिस्टम बनाए कि जिले से कार्य रोजगार आदि के लिए बाहर जाने वाली बेटी का पूरा रिकॉर्ड हो। उन्होंने कहा कि गायब बच्चों को बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या दोगुनी होने से यह स्पष्ट संकेत है कि इनका गायब होना सामान्य नहीं है। फिर एक विशेष अभियान चले, दोनों उसमें हमारे उद्देश्य रहेंगे। नंबर एक, जो गुमी बेटियां हैं उनको हर हालत में ढूंढ के हम वापस लाएं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको बहुत गंभीर है। और दूसरे, आगे हम सिस्टम ऐसा बना लें कि काम धंधा बाकी चीज करने जो बेटियां जाती हैं वो ले जाते हैं, तो उसके हम कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ ऐसी शुरू करेंगे जो बेटी जाए वो पता रहे कौन ले जा रहा है, कहां जा रही, काम धंधे के लिए, कुछ और चीज के लिए। आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी व्यवस्था हम बना लें कि जाए तो रजिस्ट्रेशन हो उनका, अब वो जिले में करें कहां चले उस पर विचार कर लें, और उसके बाद अगर उनको कष्ट कोई हो, तकलीफ हो, तो वो तत्काल शिकायत कर सके, परिजनों को भी पता हो कहां गई है, और शिकायत अगर कोई कष्ट में है तो कहां जाना है। तो आगे कम से कम इतनी बड़ी संख्या में बेटियों का गायब होना महाराष्ट्र में रोक लें, ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है। इसलिए हमने संख्या बताई। एक और आंकड़ा है कि बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या लगभग दोगुनी है। ये अपने आप में कहीं न कहीं संकेत देते हैं कि बेटियों के घूमने के अलग कारण। डीजीपी ने बताया कि बालिकाओं या युवतियों के गायब होने के पीछे मुख्य कारणों में उनका बिना बताए घर से जाना या नाराज होकर भागना, बिना बताए प्रेमी के साथ भागना शामिल है। नगरीय क्षेत्र में ये कारण है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से मजदूरी के नाम पर पलायन होता है। इसमें श्रम विभाग की कार्रवाई आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कहां ले जा रहे हैं और जिस कार्य से इसका संपूर्ण रिकॉर्ड रखा जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।